अभी तो मैं माला लगाना चाहता हूँ अभी इसको इसके अंदर डाल दो दे रहा हो जाएगा ये पहली हेल्दी हो रही है अच्छा बिल्कुल बीच में तो नहीं आया ना बताती तू पीछा दिन दिन ना ना दिन दिन ना ना बताती तू पीछा ना बताती तू पीछा दिन दिन ना ना दिन दिन ना भूल मेरी जान तू ना बताती तू पीछा दिन दिन ना ना दिन दिन ना बताती तू पीछा ना बताती तू पीछा दिन दिन ना ना दिन दिन ना तक दिन ना ना दिन दिन ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना Of course, the best thing I think, the best relationship I could ask for, because it was like we were actually there for each other, and it was like a very weird kind of relationship, a love-hate kind of relationship, of course, because we used to fight a lot, like any other sibling. But other such things would happen, like you know, ki ek baar didi ko tuition mein. किसी उसके ट्यूटर ने मारा एंड आई स्टार्टेड क्राइंग दीदी वाज स्टक इन द लिफ्ट आई स्टार्टेड क्राइंग कि मम्मा दीदी अटक गई ये वो करके आई थिंक वन वेरी फेमस इंसिडेंट इज जो नवीन आज तक मुझे छेड़ते हैं शी वाज आई थिंक इन केजी और समथिंग हम किसी मॉल गए फर्स्ट या समथिंग तो मैं एज यूजुअल उसे पुल कर रही थी कि इधर चलो तो शी गोज अप टू द सिक्योरिटी गार्ड एंड शी थॉट ही वाज अ पुलिसमैन भाई अभी ये मेरे फिर से गिराएंगे उड़ाएंगे घर के कपड़े गंदे होंगे फिर इसके बाद लग रही है कान में अरे साफ कर दो ना I hope so.
So Lakshay and I, we first interacted on a Zoom call because it was COVID, and during that time, like, the master classes were going on online, and then later, like, after a month of friendship, we then met. Like, there were two friends, like Lakshay and Aditya, so we both met, like, we three met each other, and Dwarka was the common point, so we met for the first time at my place only. Bhai, that was the, I'm generally I'm not that nervous, but post time I was like at the peak of nervousness. तो मैं सबसे पहले मैं उसकी मॉम के पास गया था ऐसे उनसे बोलने कि क्या मैं आपकी बेटी से शादी कर सकता हूँ एंड देन बिफोर टेलिंग हिम लक्ष्य टोल्ड मी कि आई वांट टू मैरी योर डॉटर मैंने कहा देख मैंने तेरे को बेटा नहीं बनाया पर तूने चुन लिया हमें पेरेंट्स तो बट या ही इज रियली अ टच विद वेरी स्वीट बॉय उन्होंने मुझसे बोला था कि आर यू श्योर मैंने कहा हाँ ऐसा क्या ही ऐसा I mean, what worse can happen, right? So, वो मैं उस time में भी I was kinda nervous because auntie के साथ तो मैं generally काफी chill कर चुका था पहले भी, like casually hang out and also इतनी देर पर uncle के साथ तो it was next level. My heart was beating so much, I could actually feel my heartbeat. So he was in his room and I wanted to go inside. एंड मैं बहुत देर वेट कर रहा था मेरे दिमाग बोलते हैं क्या मैं जाऊँ मैं पक्का जाऊँ मेरे को बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी मैं तो अपना हार्ट बीट और मैं अंदर खड़ा हुआ मैं दो मिनट ऐसे ब्लैंकली खड़ा था कैसे मैं कैसे स्टार्ट करूँ पर वंस आई डिड ना उसके बाद उन्होंने इतने अच्छे से रिस्पॉन्स किया कि तो फिर वो बोले कि अंकल एज ए सन मैं कैसा लगता हूँ आपको मतलब तुम जो भी एज ए सन यू एक्चुअली आई वुड हैव बीन प्राउड इफ यू आर माई सन और आप बहुत अच्छे हो और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एज ए पर्सन एज ए ह्यूमन बींग कैसा हूँ मैंने उनको बताया वाला यू आर एज ए ह्यूमन बींग ऑल्सो यू आर वेरी नाइस यू आर ए ग्रेट पर्सन तो बोला फिर बोले कि अंकल मैं रिद्धिमा को पसंद करता हूँ यदि वो आप परमिट करें तो मैं उससे शादी करना पसंद करूँगा पहला बेटा फिर जैसे घर वाले बोलते हैं सब लोग कि बेटा ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हमें भी अपने घर पर भी बात करनी पड़ेगी और हम लोग आपके घर पे आएंगे आपके पेरेंट्स से मिलेंगे यदि वो दोनों सब लोग एग्री करते हैं फिर हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं तो ये लक्ष्य की मेमोरीज हैं लक्ष्य वैसे बहुत अच्छा बहुत समझदार बहुत क्या बताऊँ बहुत अच्छा बच्चा है वो get the offer letter then he'll go to my father and ask for like marriage proposal properly so we were at my Noida home at that time and he like we were together and he came over to my place and then he was like oh, I have to talk to him I finally got the offer letter he got the offer letter from like currently that he's working in ITC What's up guys? अभी थोड़ा अलग अलग सा लग रहा है मैं ऐसे बाहर आता नहीं ना जनरली कुछ वादों से उसे थपाना उन वादों में था एक वादा यार बटर इज ग्रेट आई यार हैप्पी कैसे हो मुझे चांद है उसे थलाना अब उसे चल चाहिए
और सितारे चाहिए वो जो वादे किए थे उसे सारे चाहिए। Chatting for literally 2 hours, and that's when my mother was like, okay, let's get into the room to see what they are talking about. And then we see that they're laughing, they're chilling and all of that, and I was like, why on earth would you not call us? So first, when he went, he told me later that, you know, like father said that iska gussa naap pe hi rehta hai. And then he goes like, haan uncle pata hai, and I was like, acha. I was like, that's why, you know. In my entire life now, I have never met someone so humble, so caring like her. Matlab, she is so innocent and she is so caring inside out. Matlab, logo nahi dikhega. Matlab, if you just meet her once and if you meet her on a regular basis, you will not know ki yaar wo bandi, you're gonna feel like, yeah, she's a very innocent person. But she's the smartest woman I've ever met in my whole life. She's smartest, she makes such nice decisions. And I know that I can rely on her for any query I have in my life. मैं अपने सारे doubts में उसी से पूछता हूँ। मेरे को कुछ भी doubt होता है, मुझे पता है कि ये बंदी से पूछूँगा, ये उसको बहुत प्यार से analyze करके मेरे को बता रही। तेरा लब जाएगा करके कोई बहाना, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, दिल नू मैं समझावा। And उसको जो भी पसंद है ना, I just want to do it in like a grand gesture way. Like if, even if she likes to shop, I want to give her the best thing. Even if she wants to travel, go places, I just want to do the best for her. Because she has been there for me. She has changed me as a person. Such a like nice, caring, emotional person. I was not at all emotional, but now I've started to understand emotions. So yes, I want to do so many things for her. And you promised to him. So we always talk about like having that career growth. So I think the first promise that I'm gonna make is like, let's build a really good career, like a really good successful career together for ourselves.
so that, you know, be it early stage, be it middle stage, or be it later on stage in our life, we enjoy it. And it shouldn't be like a burden or in any way. So, yeah. यही लगता है कि इतने दिन साथ रहने के बाद ऐसा भी दिन आता है कि जब ये दिन तो हर एक बाप के लाइफ में आता है और मैं बहुत खुश हूँ कि वो एक अच्छे घर में अच्छे परिवार में जा रही है. इसलिए एक सेटिस्फेक्शन लेवल भी है कि एक डर जो बाप के मन में रहता है वो नहीं है कि मेरी बेटी कैसे रहेगी क्या करेगी. तो क्योंकि मैं उनके पेरेंट्स से मिला हुआ हूँ, पूरी फैमिली बहुत अच्छी फैमिली मिली है, भगवान उनको सबको सुखी रखें, और बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे हैं. तो हमें ऐसा लगता नहीं है कि, लेकिन अब थोड़ा लगता है कि बेटी है तो जा रही है इतने दिन, 26 साल साथ में रही. मतलब बिल्कुल